नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज में चौथा पार्ट ले रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? डाइस्टेज, जाइमेस, माल्टेज या एनवर्टेज? ये चारों एंजाइम हैं, इसमें से कौन सा जो एंजाइम है वह ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? वह है जाइमेज, विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है मिर्च में, नींबू में, आम के रस में या आंवला में? विटामिन सी है जो सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है, और विटामिन सी खट्टे फलों, कच्चे पदार्थों में पाया जाता है, और विटामिन सी सर्वाधिक आंवला में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडी कॉर्नेलाइट आइस का है एफी का यानी लोहे का, एल्यूमिनियम का, यूरेनियम का या चांदी का? जो पिच ब्लेंडी कार्नेलाइट अयस्क है वह यूरेनियम का। तो हम देखेंगे अलग अलग जो हमें परीक्षा उपयोगी हो वे आवश्यक देखेंगे। यूरेनियम का पिच ब्लेंडी कॉर्नेलाइट होता है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट व कोरंडम होता है। आगे आया कॉपर, कॉपर में सेल को पाइराइट वह कॉपर पाइराइट होता है, कॉपर का सेल को पाइराइट वह कॉपर पाइराइट होता है। और अब लोहे का देखेंगे तो लोहे का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। सोडियम का सोडियम साइट्रेट या सिली सॉल्ट पीटर होता है। फिर चांदी का रूबी सिल्वर, और पारा का सिनेबार जिसे HgH, पोटेशियम का नाइटर या क्रोनेलाइट, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, मोती का कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के काम आता है? जल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? तो इसमें मानव शरीर के ईंधन के जो काम आता है कार्बोहाइड्रेट, जो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन उसे कहते हैं जो किसी को ऊर्जा प्रदान करता है, और मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान कार्बोहाइड्रेट करता है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति 50 से 70% इन्हीं पदार्थों से होती है। अब हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, मानव शरीर की रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? कोबाल्ट, निकेल, लोहा या कॉपर? हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन RBC में उपस्थित श्वसन वर्णक होता है। ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है, उसमें से RBC में
हीमोग्लोबिन एक शोषक वर्ण के रूप में कार्य करता है। अब हीमोग्लोबिन में यदि लोह तत्व की कमी हो जाए तो उनसे एनीमिया रोग होता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को, 1 मई को, 8 मई को या 4 मई को? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 वही रंग होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का रंग होता है। सूर्य के प्रकाश का रंग 7 होते हैं, जिसको विबग्योर नाम से पहचानते हैं। वॉयलेट, इंक, निशोर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जिसको बैजानी हा पीनाला भी कहते हैं। और जो इंद्रधनुष होता है, जब मनुष्य बरसात के समय मनुष्य व्यक्ति सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो, सूर्य की विपरीत दशा में इंद्रधनुष बनता है। बैरियम मील का उपयोग किया जाता है, ये एक प्रकार की पद्धति है। अर्नाल की एक्सरे में, रक्त जा समूह की जांच के लिए, मस्तिष्क की एक्सरे के लिए, हड्डी की एक्सरे के लिए। तो जो बैरियम मील है वह अर्नाल की एक्सरे के लिए काम आता है। इसके अलावा ये सोने को घोला जाता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण में, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में, सल्फ्यूरिक अम्ल में या नाइट्रिक अम्ल। सोने को हम अम्लराज, एक्वारेजिया में घोला जाता है, और एक्वारेजिया या अम्लराज नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसका अनुपात 1:3 होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है, केवल तने में होता है, पत्तियों में होता है, या केवल जड़ों में होता है, या सभी वायवीय भागों में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन है जो सभी वायवीय भागों में होता है। विटामिन के का कार्य है श्वसन, नपुंसकता का निवारण, पेलाग्रा या रक्त का थक्का जमाता है। जो विटामिन के है वह रक्त का थक्का जमाता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन या नेफ्थक्विनोन। फाइलोक्विनोन या नेफ्थक्विनोन ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित होती है? मीसोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या आयनोस्फीयर में? वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित होती है। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैवोकिस्टेटस, पैंथरा टाइगस, राना ट्रिगिना, होमो सेपियंस। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम पैवोकिस्टेटस है। अब ये अलग अलग मोर का पैवोकिस्टेटस, मेंढक का है जो राना ट्रिगिना, बाघ का है पैंथरा टाइगिस, और जो
मानव का है वो होमो सेपियंस। इसमें चारों प्रकार दिए हुए हैं, पैंथरा टाइगिस है बाघ का, राना ट्रिगिना है बाघ मेंढक का, और होमो सेपियंस है वह मानव का। विटी कल्चर किसे कहते हैं? एक प्रकार का यह साइंस का अध्ययन है जिसमें वन संरक्षण को विटी कल्चर कहते हैं, या गन्ना उत्पादन को विटी कल्चर कहते हैं, अंगूर उत्पादन को विटी कल्चर कहते हैं, या कृषि के आदिम प्रकार को विटी कल्चर कहते हैं। विटी कल्चर अंगूर के उत्पादन को कहते हैं, विटी कल्चर अंगूर उत्पादन को। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को, सेरोलॉजी शिपकलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। बायोगैस का प्रमुख घटक है प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन या एथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक मिथेन है। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है जिसको हम ज्यादा खींच सकते हैं, जो भंगुर टाइप में नहीं होता है, कास, रबर, हाथी दांत की गोली या इस्तपात। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया? डोबे राइनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलिप ने या मोजले ने? तत्वों का जो वर्गीकरण किया था उसमें सबसे पहले त्रिक नियम आया था, उसके बाद अष्टक नियम आया था, उसके बाद आवर्त सारणी बनी थी, फिर आधुनिक आवर्त सारणी में परिवर्तित हुई थी। तो सबसे पहले तत्वों का अष्टक न्यूलैंड ने दिया। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो डोबे राइनर ने दिया था वह त्रिक दिया था, न्यूलैंड हमारे पास अष्टक हो गया है। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था, और जो मोजली है उसने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित थी, और जो आवर्त सारणी जो मेंडलीफ ने बनाई थी वह परमाणु भार पर आधारित थी। निम्न में से कौन सा शुष्क धुलाई के काम आता है? क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन? शुष्क धुलाई के काम नाइट्रोबेंजीन काम आता है। नारियल में खाने योग्य भाग होता है मध्य फलभित्ति, बाह्य फलभित्ति, अंतः फलभित्ति या भ्रूण कोश? जो नारियल में खाने योग्य भाग होता है वह भ्रूण कोश होता है। अगला BS4 का संबंध है वस्त्र से, वाहन से, लोहा से या बैंक से? BS4 का संबंध वाहन से होता है। जो BS4 का संबंध वाहनों की मानक से होता है, और इसका पूरा नाम है भारत स्टेट फोर्थ। आज का इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास प्रीवियस ईयर की, सुनो की 5th सीरीज में।